Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about D and F block elements, आज हमने शुरू करनी है केमिस्ट्री कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल्स की और इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल्स में हम शुरुआत करेंगे वेनेडियम से. ठीक है, अब वेनेडियम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. इट इज़ अ सिल्वरी ग्रे. अगर आप इसकी क्या करोगे, अगर आप इसकी अपियरेंस देखोगे, appearance of vanadium is silvery grey color. सिल्वर ग्रे कलर का ट्रांजिशन मेटल होता है. और इसकी प्रेजेंस किस में होती है, अगर आप दूसरी हेडिंग देना चाहो, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंस अबाउट 65 मिनरल्स. 65 मिनरल्स के अंदर आपको वेनेडियम की प्रेजेंस नजर आएगी. सो इट इज़ अ प्रटी अबाउंडेंट एलिमेंट. ठीक है, और अबाउंडेंस होने के साथ साथ अगर आप इनको मिनरल्स में देखोगे, ये कोई ज़्यादा मिकदार में पाए नहीं जाते, कंसंट्रेशन इनकी कम होती है, लेकिन मौजूद काफ़ी सारे मिनरल्स में होते हैं. ठीक है, इन दो चीज़ों के बाद तीसरे नंबर पर हमने क्या करना है, वी गॉट टू एनालाइज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स. और ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एनालिसिस में सबसे पहले आपने क्या करना है, यू गॉट टू हैव अ लुक एट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देख लेते हैं वेनेडियम का. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 21. वेनेडियम नॉट 21, इसका अटोमिक नंबर 21 नहीं है, बट नंदलेस वॉट एवर इट्स अटोमिक नंबर इज, जो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दैट वुड बी 3d3 and 4s2 इज द वैलेंस शेल. इसको मैं ये पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d3 एंड 4s2 है, विच मीन्स इट हैज गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. अब 5 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस जब इसमें होती है, तो इसके पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितने होंगे, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर 5. इसके पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं 4, जिसमें यू गॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, +3, +4 and +5. ये 4 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेनेडियम शो कर सकता है. अब इन 4 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अगर आपने एग्जांपल देखनी है, तो सबसे पहले आप एग्जांपल दे सकते हो वेनेडियम मोनोऑक्साइड की, VO. वेनेडियम मोनोऑक्साइड है, जिसमें वेनेडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2. देन वेनेडियम डाइऑक्साइड में अगर हम देखें, वेनेडियम डाइऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, VO2. इसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है. वेनेडियम ट्राइऑक्साइड V2O3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है. और V2O5 वेनेडियम पेंटोक्साइड काफ़ी मशहूर कंपाउंड है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है. तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स हैं जिसमें वेनेडियम के ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑब्जर्व होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद आपको दूसरी चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 to +5 में चेंज की जा सकती है. यानी ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस कैन बी चेंज्ड इनटू +5 इफ़ वी कंबाइन इट इन एन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो ये पॉसिबल है. तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या करना होगा, वी हैव टू टेक अ सॉल्यूशन ऑफ वेनेडियम 5, यानी VO2 विद अ प्लस. VO2 विद अ प्लस, इसमें वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है. ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, इज मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ वेनेडियम 2 के साथ आपने इसको मिक्स किया. ठीक है, कंबाइंड इट विद वी विद द +2 चार्ज. इन दोनों की कंबिनेशन आपने करनी है. तो जब हम इन दोनों की कंबिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिड की प्रेजेंस में विच इज 4H+, इन तीनों की कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे, तो इट प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस अ सॉल्यूशन विच वुड कंटेन 3 वेनेडियम आयंस विथ अ +3 चार्ज. और उसके साथ आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पानी के. सो दिस इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन कन्वर्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +5 and +2 into +3. ठीक है, एक तरफ अगर आपके पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सब्सटेंस मौजूद है वेनेडियम का, उसको अपने +2 के साथ कंबाइन किया एसिड की मौजूदगी में, तो इन दोनों की कंबिनेशन से वेनेडियम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को +3 में चेंज कर लेता है.
ठीक है. सो दिस इज हाउ इट कैन बी इंटर कन्वर्टेड. अब इनके नेचर को भी समझ लेंगे. जो चार ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने आपको लिख के दिखाए हैं, इनको इनके नेचर के हिसाब से दो डिफरेंट ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. वेनेडियम के कंपाउंड्स जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू एंड प्लस थ्री है, उनको क्लासिफाई करेंगे हम एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो V with a plus 2 charge and V with a plus 3 charge, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम के किसी भी कंपाउंड में मौजूद हो तो उसको आमतौर पर हम क्या करते हैं, वी क्लासिफाई देम एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर इसको हम क्लासिफाई करते हैं. और दूसरी तरफ अगर आपको कंपाउंड्स मिले जिसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 या प्लस 5 है, तो इन दोनों केसेस में ये एक्ट करेंगे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर ये काम करते हैं. ठीक है. सो ये इनका नेचर हुआ. डिपेंडिंग अपॉन दी ऑक्सीडेशन स्टेट इनका नेचर चेंज होता रहता है. प्लस टू प्लस थ्री में ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और प्लस फोर और प्लस फाइव के फॉर्म में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं. ठीक है. नाउ बिफोर वी कैन मूव ऑन टू क्रोमियम, एक और आपने बात समझनी है, दैट इज इट्स कैटालाइजिंग एबिलिटी. ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी कि वेनेडियम पेंटोक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस के रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हो. ठीक है. तो उसको हमने यहाँ पर क्या करना है, समझना है कि ये कैटलिसिस असल में होती कैसे है. ठीक है. कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसको हम देख लेते हैं एंड विल रैप अप वेनेडियम. कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो वेनेडियम पेंटोक्साइड है विच इज V2O5, ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है और इसने कैटलाइज किसको करना है, इट शुड कैटलाइज द रिएक्शन विच इज दिस 2SO2 मॉलिक्यूल्स. इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन. प्रोसेस रिवर्सिबल होता है जिससे दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके, इट प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3. ठीक है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है. अब इस प्रोसेस को वेनेडियम पेंटोक्साइड क्या करता है, कैटलाइज करता है. राइट. कैटलाइज करेगा कैसे, इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं. सबसे पहले स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वेनेडियम पेंटोक्साइड. इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं. इसमें SO2 कंबाइंस विद V2O5. मकसद हमारा होता है सल्फर डाइऑक्साइड को ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना. तो उसके लिए हमने एक ऑक्सीजन एटम को यहाँ से निकालना है एंड वी हैव टू एड इट इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ SO2. नाउ व्हेन यू डू दैट, उससे सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप को SO3 में चेंज तो कर लेता है, लेकिन ऑक्सीजन की रिमूवल का असर क्या पड़ेगा इसके ऊपर, इट इज गोइंग टू चेंज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वेनेडियम डाइऑक्साइड. VO2 में अपने आप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स VO2 और 1 मॉलिक्यूल SO3 में ये चेंज हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 में वेनेडियम पेंटोक्साइड को दोबारा बनाने के लिए ये जो 2 मॉलिक्यूल्स VO2 के हैं, इट हैज़ टू बी कंबाइंड विथ हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब एक ऑक्सीजन एटम के साथ आप इसको कंबाइन करोगे. नाउ व्हेन यू कंबाइन इट, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ V2O5. वेनेडियम पेंटोक्साइड ये प्रोड्यूस कर जाएगा. ठीक है. तो ये वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए वेनेडियम पेंटोक्साइड कैटलाइजेस द प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस. ठीक है. कैटलाइज कर देता है और प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. सो ये कुछ चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो वेनेडियम की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं. इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम शुरू करते हैं क्रोमियम को. क्रोमियम इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल जिसकी केमिस्ट्री को हमने एनालाइज करना है. तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट इट्स नेम. नाम जो क्रोमियम का है, इट इज डिराइव्ड फ्र�म अ ग्रीक वर्ड क्रोमा, KHROMA. क्रोमा को अगर हम एनालाइज करें तो इट मीन्स कला, कलर होता है. ठीक है. इसका नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज ज़्यादातर कंपाउंड्स क्रोमियम के क्या होते हैं, दे आर कलर्ड इन नेचर. और जहाँ तक इनके कलर्स का ताल्लुक है वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ. क्रोमियम के जितने कंपाउंड्स आपको मिलेंगे बेस्ड ऑन देयर कलर आप इसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो. जैसे इसमें वायलेट कलर की भी पॉसिबिलिटी है, यू विल फाइंड क्रोमियम कंपाउंड्स दैट हैव अ वायलेट कलर विद इट. ठीक है. इसके अलावा यू विल फाइंड देम हैविंग ब्लू कलर. ठीक है. ब्लू के अलावा आपको ग्रीन कलर भी ये बनाते हुए नजर आएंगे. और
देन यू गॉट येल्लो कलर, येल्लो के अलावा इसमें ऑरेंज कलर भी मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी कलर्स की है जो क्रोमियम के कंपाउंड्स एग्जिबिट करते हैं, वायलेट से लेके ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, ये सारे के कलर्स ये शो करते हैं, जिसकी वजह से इसको क्रोमियम कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर कलर नेचर। रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल होने की वजह से आपको ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, एलिमेंटल स्टेट में नहीं मिलेगा, इट इज़ ओनली फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, और कंबाइंड फॉर्म में ये आपको मिलता किस हालत में है, ज़्यादातर क्रोमियम इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाइट। क्रोमाइट इज एन ओर ऑफ क्रोमियम, जिसका फॉर्मूला क्या है, इसमें Cr2O3 इज कंबाइंड विथ फेरस ऑक्साइड FeO.Cr2O3, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रोमाइट, और इस हालत में क्रोमियम ज्यादातर पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स, क्रोमियम के रिजर्व्स आपको मिलेंगे किसमें, सदर्न अफ्रीका में, अफ्रीका के साउथ अफ्रीका में आपको मिलेंगे 96%, लेकिन कुछ परसेंटेज इसकी हमें बलूचिस्तान में भी मिलती है, खास तौर पर खानोजई में और मुस्लिम बाग के इलाकों में आपको क्रोमाइट काफी ज्यादा मिलेगा, जहां से क्रोमियम को आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो इनकी प्रेजेंस और इनके कुछ वो थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम आते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एनालाइज कर लेते हैं, और एनालिसिस में सबसे पहले जैसे हमने वेनेडियम के लिए किया था, लेट अस राइट डाउन दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप क्रोमियम का लिखोगे तो स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इसकी, इट इज़ 3d5 एंड 4s1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम गिन के देखेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल में और 1 एस ऑर्बिटल में मौजूद है। तो इस बेसिस के ऊपर अगर हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे तो ये आपको +2, +3 और +6 की फॉर्म में मिलेगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है। ये 3 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं क्रोमियम के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने +2 देखना है तो उसमें यू हैव क्रोमियम 2 ऑक्साइड विच इज रिटन लाइक दिस, Cr(O)-2 and +2, ये पॉसिबिलिटी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यू विल फाइंड क्रोमियम 3 ऑक्साइड विच इज रिटन एज Cr2O3, जिसमें इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर +3 चार्ज होगा, एंड लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट Cr(O)3 होता है जिसमें -2 है, तो इसके ऊपर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। एक और चीज नोट कर लें, जिसको हमने यहां पर वेनेडियम के ऑक्साइड्स में हमने इसको एनालाइज नहीं किया, क्रोमियम के जो ऑक्साइड्स यहां पर मेंशन हैं इनका नेचर भी नोट कर लें। CrO जिसको हम क्रोमियम 2 ऑक्साइड कहते हैं, इट हैज अ बेसिक नेचर, और बेसिक नेचर का मतलब ये होता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर इसका रिएक्शन डायरेक्टली एसिड के साथ कराया जाए तो इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसको अगर हम क्या करेंगे, पानी में डिजॉल्व करेंगे तो इट माइट प्रोड्यूस अ बेसिक सॉल्यूशन। Cr2O3 ये जो कंपाउंड हमने बनाया हुआ है, इट हैज एन एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब दिस कंपाउंड हैज द एबिलिटी ऑफ बिहेविंग बोथ एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, ये दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और तीसरा जो क्रोमियम 6 ऑक्साइड है, इसका नेचर देखा जाए तो इट वुड बी एसिडिक इन नेचर, तो इसका नेचर एसिडिक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज इसमें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेंगे। यानी इसको आप क्या करोगे, इसको अगर हम इस डायरेक्शन में प्रोसीड करवाएं तो आप ये कह सकते हो कि इस तरफ जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है इसमें क्रोमियम के कंपाउंड्स एक्ट करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। और जैसे जैसे ये +3 +6 की तरफ जाता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेंशन देम एज बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर चार्ज क्या मौजूद है। लोअर चार्जेस जनरली टेंड टू बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, एंड हायर चार्जेस टेंड टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। अब हम आते हैं टुवर्ड्स क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम।
क्रोमेट इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कि क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स क्या होते हैं। क्रोमेट्स को लिखा जाता कैसे, इट इज रिटन एज CrO4 विद अ -2। इस नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रोमेट कहते हैं। और क्रोमेट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, सॉल्ट के लिए, सॉल्ट्स ऑफ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड के सॉल्ट्स को हम क्रोमेट कहते हैं। और क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, बाय द वे इसको मैं इसके सामने यहां पर लिख लेता हूं, इट इज H2CrO4। H2CrO4 इज क्रोमिक एसिड और उसके सॉल्ट को क्रोमेट कहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस नेगेटिव आयन। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, दैट इज डाइक्रोमिक एसिड के सॉल्ट्स, उसको डाइक्रोमेट कहते हैं। डाइक्रोमेट को मेंशन किया जाता है ऐसे Cr2O7 विद अ -2। इस नेगेटिव आयन को हम क्या कहेंगे, विल कॉल इट एज डाइक्रोमेट। ठीक है, और डाइक्रोमेट्स क्या होते हैं, जनरली दीज आर सॉल्ट्स ऑफ डाइक्रोमिक एसिड। डाइक्रोमिक एसिड होता है क्या, इट इज H2Cr2O7, इसको हम डाइक्रोमिक एसिड कहते हैं। ठीक है, जो क्रोमेट होता है, क्रोमेट्स आर जनरली येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब इसमें एग्जांपल आप किसकी दे सकते हो, CrO4 की एग्जांपल के तौर पर यू कैन मेंशन दिस Na2CrO4, जिसमें -2 and +1, दिस इज व्हाट वी कॉल सोडियम क्रोमेट। इट इज अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और दूसरा जो है वो सोडियम डाइक्रोमेट है। सोडियम डाइक्रोमेट के लिए इसको मैं बिल्कुल इसी के सामने यहां पर मेंशन कर देता हूं, Na2CrO7, जिसमें -2 है +1 है। इसके कलर को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इट बेसिकली इज एन ऑरेंज रेड सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑरेंज रेड कलर का होता है। तो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट की जो डिविजन होती है या उसकी जो डिफ्रेंसिएशन होती है, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर दैट दे एग्जिबिट। अगर येलो कलर का है तो वो क्रोमेट होता है जनरली, और अगर ऑरेंज रेड कलर का होगा तो उसको हम डाइक्रोमेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमने क्रोमेट को क्या किया, डिसॉल्व किया पानी में, तो उसका नतीजा क्या होगा, इट डिसॉल्व्स इटसेल्फ टू प्रोड्यूस दिस। इसके सॉल्यूशन को हम क्या कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन को हम लिख लेते हैं ऐसे, Cr2O7 -2, दिस इज द नेगेटिव आयन। ठीक है, इसको जब हम क्या करेंगे, जब हम मिक्स करेंगे विथ वाटर H2O, डाइक्रोमेट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, वी आर डिसॉल्विंग इट इन वाटर। तो डिसॉल्व करने पे इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो कौन से होंगे, इट प्रोड्यूसेस 2 नेगेटिव आइंस ऑफ CrO4 अलॉन्ग विथ 2H+। 2H+ प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है जब आप क्रोमेट को पानी में डिसॉल्व करते हो। ठीक है, तो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट ये इक्विलिब्रियम में मौजूद है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्रोमेट अपने आप को डाइक्रोमेट में चेंज करता है, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में डाइक्रोमेट अपने आप को क्रोमेट में चेंज करता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्रोमेट अपने आप को डाइक्रोमेट में चेंज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम क्या करें, इसमें अगर हम दो पॉसिबिलिटीज करें, दो पॉसिबिलिटीज का मतलब इस इक्विलिब्रियम में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जाए तो उससे प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसको अगर आपने शो करना है, यू कैन शो इट लाइक दिस। देखें, इफ वी एड एडिशन ऑफ HCl solution, HCl solution के addition अगर हम करें तो उसमें क्या होगा, backward direction में reaction शो के proceed होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो 2CrO4 -2 है, it is going to combine with 2H+। ठीक है, 2H+ के साथ कंबाइन करके यहां से एक ऑक्सीजन जब निकलेगा तो इससे क्या होगा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पानी का मॉलिक्यूल जब बनेगा तो यही अपने आप को चेंज कर लेता है Cr2O7 विद अ -2 में।
ठीक है. सो दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन वेन यू एड वॉट, वेन यू एड एसिड टू इट. एसिड के एडिशन से क्रोमेट को चेंज किया जा सकता है डाइक्रोमेट में. और इसको प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व कैसे करोगे, ऑब्जर्वेशन होती है. कोई सोल्यूशन अगर येल्लो कलर का है, एंड आई टोल्ड यू कि क्रोमेट्स जनरली येल्लो कलर के होते हैं, तो येल्लो कलर के सोल्यूशन के अंदर जब हम क्या करते हैं, वेन वी मिक्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड टू इट, तो वो कलर आपको येल्लो से ऑरेंज रेड में चेंज होता हुआ नजर आएगा. जब कलर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाता है कि क्रोमेट ने अपने आप को डाइक्रोमेट में चेंज किया है. ठीक है, अब ये एक पॉसिबिलिटी है. सेकंड पॉसिबिलिटी में व्हेन यू ट्राई टू मिक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद इट, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन की बजाय यू ऐड एन अल्कलाइन सॉल्यूशन टू इट. अल्कलाइन सॉल्यूशन के एडिशन में क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयंस है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने पे कंसंट्रेशन क्रोमेट की इंक्रीज होती है. येलो कलर बिकम्स मोर इंटेंस, जिसको आप इस तरीके से शो कर सकते हो. एडिशन ऑफ एन ए ओ एच सोल्यूशन अगर हम ऐड करेंगे तो इन दैट केस यू गॉट टेक सी आर टू ओ सेवन विद माइनस टू. इसकी कंबिनेशन आपने करनी होगी किसके साथ, यू गॉट टू एड इट विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. पानी के मॉलिक्यूल के साथ जब आप इसके एडिशन करोगे तो ये ऑक्सीजन आके जब इसके साथ कंबाइन होता है तो टोटल ऑक्सीजन हो जाते हैं 8, विच मीन्स कि आपको दो नेगेटिव आइंस मिलेंगे CrO4 के माइनस टू, और उसके साथ ही दो प्रोटॉन्स मिल जाएंगे. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से यू कैन कंबाइन. सॉरी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डाइक्रोमेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिलाएंगे तो यू गॉट टू ऐड 2OH-1. 2OH-1 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो एक ऑक्सीजन जब इसमें ऐड हो जाता है तो इसका मतलब वन ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन एटम्स आर लेफ्ट, विच मीन्स कि यहाँ पर भी एक पानी का मॉलिक्यूल आपको मिलेगा. ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आइंस की कॉम्बिनेशन जब होती है डाइक्रोमेट के साथ, तो डाइक्रोमेट के साथ कॉम्बिनेशन पे इट प्रोड्यूसेस अ क्रोमेट आइन अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. तो ये इंटर कन्वर्जन की बात हो रही है कि अगर आपने क्रोमेट को डाइक्रोमेट में चेंज करना है तो यू गॉट टू फॉलो दिस मैकेनिज्म, और अगर डाइक्रोमेट को क्रोमेट में चेंज करना है तो उसके लिए ये वाला मैकेनिज्म हमें फॉलो करना होगा. ठीक है, तो इससे पता ये चल रहा है कि जो क्रोमेट है वो बेसिक सॉल्यूशन में स्टेबल है, और डाइक्रोमेट जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में स्टेबल होता है. ठीक है, राइट. इसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ डाइक्रोमेट आइंस विथ जिंक एंड एन एसिड. तो इनकी जो रिडक्शन है वो कैसे होती है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. जिंक और एसिड के साथ इनके रिएक्शन को अगर आपने शो करना है तो यू कैन शो इट लाइक दिस. पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज K2Cr2O7 कंबाइंस विद एन एसिडिक सॉल्यूशन टू फॉर्म क्रोमियम आइंस. तो यहाँ पर असल में जो रिएक्शन है वो Cr2O7 का है, तो पोटेशियम को मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है. सिंपली मेंशन Cr2O7 विद माइनस टू कंबाइनिंग विद 14H पॉजिटिव. ये जो प्रोटॉन्स हैं ये एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, और इसके साथ हमने 3 मेटालिक जिंक के एटम्स को रिएक्ट करवाना है. नाउ व्हेन यू रिएक्ट दिस, तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान आपने पानी के मॉलिक्यूल को बनाना है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन विद दिस हाइड्रोजन. इन दोनों के आपस में जब कॉम्बिनेशन होती है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. पानी के मॉलिक्यूल्स जब बन जाएं तो इसमें से ऑक्सीजन हो गया रिमूव, राइट. तो जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहां से यहां पर होगा. ठीक है, जब यहां से यहां ट्रांसफर होगा तो इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 3 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो है वो जिंक से क्रोमियम में होता है. तो जब ये होगा तो जिंक आपको नजर आएगा इस हालत में 3Zn विद अ +2 चार्ज. यहां पर जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, माइंड यू. सो जिंक अगर +2 फॉर्म में अपने आप को चेंज कर रहा है, सो दैट बेसिकली मीन्स के इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. हर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए क्रोमियम में, और क्रोमियम में जब 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे तो उसके बाद ये आपको दिखेगा कैसे, इट्स गोना लुक लाइक दिस, 2Cr+3. वैसे यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इसका चेक करें तो इट वुड बी व्हाट, 7 2s आर 14. इसको
बल्कि प्लस सिक्स लिखा जा सकता है. इट हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस सिक्स. तो प्लस सिक्स प्लस थ्री में चेंज हो रहा है बाय द एडिशन ऑफ छह इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज व्हाट द रिएक्शन इज बिटवीन देम. ठीक है, तो इस तरीके से होगा. और इंडिविजुअली अगर आपने इन दोनों के रिएक्शन को शो करना है तो यू कैन शो इट लाइक दिस. टू सी आर प्लस थ्री, ये दो क्रोमियम के आइंस हैं. इट कंबाइंस विद अ सिंगल जिंक, मेटालिक जिंक. तो जिंक, लाइक आई हैव टोल्ड यू, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है. दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जब एक्सेप्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली इसका प्लस थ्री चार्ज चेंज होगा प्लस टू में. इट इज गोइंग टू चेंज इन टू टू सी आर प्लस टू, और इसके साथ ही आपको जेड एन प्लस टू मिलेगा. सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से अबव, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रहा है जिंक से क्रोमियम के अंदर. उससे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स से प्लस थ्री में चेंज हो रहा है, जिसको आप इस इक्वेशन से भी इलस्ट्रेट कर सकते हो. ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट, लेट्स हैव अ लुक एट द रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. के टू सी आर टू ओ सेवन as an oxidizing agent. अब ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बेसिकली आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव द अबिलिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग अदर्स बट रिड्यूसिंग इटसेल्फ. इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. या सिंपल टर्म्स में आप क्या कर सकते हो, आप इनको मेंशन कर सकते हो एज सोर्सेस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन. एटॉमिक ऑक्सीजन के सोर्सेज के तौर पर आप इन्हें ले सकते हो, बिकॉज ये एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे बाकी जो सब्सटेंसेस हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे. जनरली इनको K2Cr2O7 को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन में यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दी गई है मेथेनॉल की. मेथेनॉल को आप मैंशन कर सकते हो लाइक दिस, CH3 विथ OH. अब इसके साथ आपने कंबाइन एटॉमिक ऑक्सीजन को करना है. दिस एटॉमिक ऑक्सीजन इज जनरेटेड बाय कंबाइनिंग K2Cr2O7 विथ H2SO4. ठीक है, तो ये करेगा क्या, ये यहां से रिमूव करेगा हाइड्रोजन को. हाइड्रोजन रिमूव कैसे होगा, यहां से इस हाइड्रोजन को इसके साथ कंबाइन करें और यहां से इस हाइड्रोजन को इसके साथ कंबाइन करें. इन दो हाइड्रोजन एटम्स को निकाल के जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो इससे आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा पानी का. और इन दोनों के रिमूवल से स्ट्रक्चर पर फर्क क्या पड़ेगा, दिस मॉलिक्यूल ऑफ मेथेनॉल चेंजेस इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बना है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेनॉल. ठीक है, अब इस फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप इस सॉल्यूशन से आइसोलेट नहीं करते, इसको रहने देते हो इसी के अंदर, तो मजीद इसकी ऑक्सीडेशन मुमकिन है. उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, यू विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, HC OH विथ H व्हेन इट कंबाइंस विथ अनदर एटॉमिक ऑक्सीजन फ्रॉम द सेम सोर्स. तो ये आके ऐड होगा इस पोजीशन के ऊपर. एडिशन जब यहां पर होती है तो ये अपने आप को चेंज करेगा HC OH विथ OH, फॉर्मिक एसिड में अपने आप को चेंज करेगा. तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जब हम अल्कोहल का करते हैं तो इससे आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये आपके हाथ में होता है. अगर आप यहाँ से जैसे ही अल्डिहाइड बने इसको अगर आप आइसोलेट कर देते हो सॉल्यूशन में से, तो रिएक्शन वहीं रुक जाएगा, अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती. लेकिन अगर आप अल्डिहाइड को रहने देते हो सॉल्यूशन के अंदर, तो अल्डिहाइड कैन कंबाइन विथ अनदर एटॉमिक ऑक्सीजन और ये अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकता है. ठीक है, राइट, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई. सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवा के देखें तो सेकेंडरी अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स, जिसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन शो इट लाइक दिस. सेकेंडरी अल्कोहल्स में लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ CH3, CH यहां पर भी CH3 है एंड OH. इसकी कॉम्बिनेशन हमने की एक एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, एंड दिस एटॉमिक ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय K2Cr2O7 विथ H2SO4. तो इसमें आपने क्या करना है, इसको कीटोन में चेंज करने के लिए हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना होगा और यहाँ से निकालना होगा. ये दो हाइड्रोजन एटम्स जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो इससे आपको एक मॉलिक्यूल पानी का मिलता है, और दो हाइड्रोजन एटम्स की रिमूवल की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इट चेंजेस इनटू अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, CH3 डबल बॉन्ड ओ CH3.
इट इज़ कन्वर्टेड इंटू अ कीटोन. कीटोन में ये अपने आप को चेंज कर जाता है. और जहाँ तक टर्शरी अल्कोहल्स का ताल्लुक है, टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन मुमकिन नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो विद दैट योर डिस्कशन अबाउट क्रोमियम इज़ कम्प्लीट अप टू अ सर्टन एक्सटेंट. होपफुली नेक्स्ट टाइम इसको कम्प्लीट करके हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट मैंगनीज. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.